हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका चैनल पे फिर से। तो आज एक बार दोबारा से कह रहे हैं हम लोग अपना प्यारा सा रैग्नारोक। पिछले एपिसोड में जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एक ट्राइक टेम किया था, तो उसे मैंने बेस पे रख दिया। तो आज के एपिसोड में हम लोग पेट्राडोन टेम करने वाले हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ पेट्राडोन ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे एक अच्छे लेवल का तो मिल ही नहीं रहा था। और उस तरफ मुझे जाना नहीं, क्योंकि उस तरफ कल मुझे अर्जेंट ट्रेवस ने मार दिया था, जैसे कैसे लोगों को याद होगा। और अगर बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस आ रही है तो उसको इग्नोर मारो, क्योंकि मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसी की आवाज़ है, तो उसको इग्नोर मारो। वहाँ पर एक पेट्रोल उड़ तो रहा है, चलो देख लेते हैं, बैठ भी रहा है, चलो देखते हैं कितने लेवल का है। अगर अच्छे लेवल का हो तो मैं इसको टेम कर लूँगा। और एक सेकेंड में अटैक कैसे गया, चलो देखते हैं कितने लेवल का है। मैंने डिफिकल्टी लेवल वैसे मैक्स, ये घटिया है, मुझे ये नहीं चाहिए। 100 के ऊपर तो मुझे चाहिए। डिफिकल्टी लेवल तो मैंने मैक्स करके रखी हुई है, तो पता नहीं कैसे ये से इतने कम लेवल के आ रहे हैं। ट्राई के लिए, और जितने डायनासोर लोग टेम करेंगे उसका उनका नाम मैं खुद नहीं रखने वाला, और आप लोग मुझे बता देना। वैसे मुझे एक बात बताना कि ये कौन सा डायनो है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन सा डायनो है, क्योंकि पूरे आर्क में ऐसा डायनो तो मिलता नहीं है। ये कौन सा डायनो, ये गीगा से भी बड़ा है। अच्छा हुआ साला मर गया, अगर यहाँ पर होता तो सबको मार देता। वो वहाँ पर पोर्ट है, उसमें जाएंगे हम लोग पेट्रोडोन टेम करने के बाद। लेकिन मुझे यहाँ पर मिल क्यों नहीं रहा, मुझे पानी पीना चाहिए, क्योंकि फिर से स्कैम हो जाएगा कल की तरह। यहाँ पर ये पंछी उड़ रहा है, मैं उसको टेम कर लूँगा शायद। अगर पेट्रोडोन नहीं मिला तो उसको टेम कर लेंगे हम लोग। ये कहाँ गया, यही पे तो उड़ रहा था वो। ओह शिट, ये धूप है यार यहाँ पर। एक सेकेंड मुझे देखने दो, यहाँ पर मुझे कुछ दिख तो रहा था उड़ते हुए। टेरनोडोन था या फिर वो रहा पहला गोरनेस, ये 83 लेवल का है, मैंने सभी देख लिया है। गाइस, मुझे यहाँ पर एक 195 लेवल का मिल चुका है एक, जो चलो इसको बोला कर लेते हैं, टेम कर लेते हैं। मैं इसको टेम करना ही है, चलो 5 दबा के। एक सेकेंड, चलो इसको टेम कर लेते हैं, मुझे इसको टेम करना है। चलो बहुत ही हाई लेवल का है, और अगर इसको हम लोगों ने टेम कर लिया तो 300 तक को 300 तक तो आराम से ही चला जाएगा। तो 2 में नॉकआउट हो गया। चलो मुझे अचानक से मिला था मुझे, और आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस आ रही थी, उसको इग्नोर मारो। फिर से बोल रहा हूँ यार, मुझे ये अचानक से दिखा था। वैसे मैं उस तरफ गया था, उस तरफ तो कुछ नहीं दिखा, उस तरफ थोड़े बहुत अर्जेंट ड्राइवर्स थे, तो मैं वहां से भाग के आ गया। तो मुझे यहाँ पर ये पता नहीं कैसे है लेकिन मिल गया। चलो इसको मीट दे देते हैं, ये सारा दे देता हूँ मैं इसको। ओके, टेम हो जाएगा, मैंने टेमिंग स्पीड भी मैक्स करके रखी हुई है। इतने ज्यादा लेवल का है तो आई थिंक 3-4 बाइट तो खाएगा ही। टेम हो जाएगा, तो फाइनली हम लोग को पेट्रोल मिल चुका है हाई लेवल का, तो इसको टेम कर लेते हैं। एक सेकेंड, मुझे से नार्कोटेक भी देना। तो चलो, तो इस तरफ थोड़े से देखते हैं कोई हाई लेवल का कोई और डाइनो है कि नहीं। मुझे पहले देखने दो उसका शेडल खुला है कि नहीं, मैं कितने लेवल का हूँ वैसे, देखने दो मुझे। एक सेकेंड, सिर्फ एक ही लेवल बच बाकी है, तो एक लेवल से मिल जाएगा। मैंने वैसे घर पे मैंने सारा सामान बना के रखा हुआ है, सारा आई थिंक बन जाएगा। आज हम लोग इसको राइड भी कर पाएंगे, उसको टेम भी कर पाएंगे। आई थिंक, क्या बोल रहा हूँ, आज जुबान को क्या हो रहा है, इसको हम लोग राइड भी कर पाएंगे और उस पोर्ट तक जा भी पाएंगे। ओके, उस कासल में वैसे मैंने देखा है, मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, उस कासल में बहुत सारे ओइंक के बेट आए थे। हाँ वही, उनको ओइंक कहते हैं आर्क में, वो बेट हैं बड़े वाले। बहुत खतरनाक है, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मेरे पीछे भाग जाएंगे। तो पहले इसको टेम कर लेते हैं, फिर चलते हैं उस तरफ। कितना टाइम लेगा यार, कुछ पता नहीं कितना टाइम ले रहा है। और हाँ, इसके लिए और ट्राइक और पैरासोर के लिए अच्छे नाम सजेस्ट करना कमेंट्स में। अगले एपिसोड में मैं शायद डियो टेम करूँ या फिर सेबर टूथ टेम करूँ, इस पोस्टर को देखते हैं क्या लेगा खाने के लिए। ओके, राफ राइम फिश मीट, इसको फिश मीट क्यों चाहिए है? तो बेरीज का है ना, तो इसको फिश मीट क्यों चाहिए टेम करने टेमिंग के लिए, अभी तक इसने खाया नहीं है। कितना परसेंट है, अभी तक इसका फूड लेवल लो नहीं हुआ।
सो गाइस फिर से बोल रहा हूँ यार, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस है तो इसको इग्नोर मारो, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मेरे घर के पास, उसकी आवाज़ आती रहती है। सो मैंने गेम की आवाज़ थोड़ी कम कर दी, क्योंकि पिछले सभी एपिसोड में आप लोग को मेरी आवाज़ कम और गेम की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, तो आज मैंने उसे कम कर दिया थोड़ा सा। तो पैरासोर कितने लेवल का है वैसे, देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। 22। मैंने डिफ़िकल्टी लेवल मैक्स करके रखी हुई है, लेकिन फिर भी इतने कम लेवल के क्यों आ रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये बहुत ज़्यादा, बहुत कम खा रहा है यार ये, तो इसका क्या करें अभी? तो वेट ही करना पड़ेगा, तब तक मैं जाकर घर से सैडल बना के लेकर आ जाता हूँ, तब तक आप लोग वेट करिएगा। सो गाइस, इसके सैडल के लिए काफ़ी सारा रिसोर्स कम पड़ गया था, तो मैं उन्हें ग्राइंड करने चला गया, और तब तक ये टेम भी हो गया। इसके लिए नाम सजेस्ट करना अच्छा वाला, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसे रखूँगा। अभी मुझे रिसोर्स रखने दो, ताकि एक गायब ना हो जाए। रिसोर्स ग्राइंड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ये सब रखने दो मुझे। और काना तो है मेरे पास, चलो स्मृति में क्यों रखना, चलो बाद में ठीक कर दूंगा इनको। अभी चलते हैं घूमने। अरे यार इसको प्यास लगी है। इस क्लिप में आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा ग्राइंड करने के लिए गया हुआ था, सो सॉरी उसके लिए। तो पानी पी लेते हैं सबसे पहले और फिर चलते हैं। तो इस तरफ पहले इस तरफ जाके देखते हैं किस तरफ है क्या। अभी भी इसका वेट वगैरह स्टेमिना सब कम है, तो कितने लेवल का हो गया है? 293 लेवल का हो गया, लेकिन इसका स्टेमिना वगैरह बहुत कम है, तो मुझे इन्हें बढ़ाना पड़ेगा। ऑफलाइन में इसको थोड़ा सा लेवल अप करवा दूंगा और उनको बढ़ा दूंगा। यहाँ पर एक और स्केलेटन है, लेकिन ये किसका होगा पता नहीं, तो चलो इस तरफ चल के देखते हैं। ये क्या चीज़ है यहाँ पर? तो स्कॉर्पियन है, और यहाँ पर अर्जेंट ट्रेवल्स है, ये पता नहीं कैसे। यहाँ पर रेक्स भी है। ये बहुत खतरनाक जगह पर मैं हूँ, मुझे यहाँ से शिफ्ट कर ले, लेकिन अभी तो शिफ्ट नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, कतरों से खेलना हमारा काम है, तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं स्टेमिना रिगेन करके। सो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ा देता हूँ मैं इसका। पीछे देख लो कोई नहीं है ना। उस तरफ आइस बायोम में मुझे इसके जगहों के बारे में बताना कि मुझे कौन से रिसोर्स कहाँ पर मिल सकते हैं, जैसा कि सीमेंटिंग पेस्ट हो गया, मुझे फैब्रिकेटर वगैरह बनाना है। उस पोर्ट की तरफ जाके देखते हैं कि उस पोर्ट की तरफ है क्या। वैसे वैसे इसका स्टेमिना काफ़ी कम है, लेकिन स्टेमिना और वेट बकवास है, तो उनको मैं बढ़ा दूंगा ऑफलाइन। तो वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। चलो मैप देख लेते हैं, मैं उस पर किस तरफ जा रहा हूँ। एक सेकेंड, ये मैप में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, लगता है मैंने उसको बंद करके रखा हुआ है, मैंने वो जो मार्कर है ना उसको बंद करके रखा हुआ है। यहाँ पर तो आलूसोर्स घूम रहे हैं। चलो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया तो ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे हाथ धोकर। सो यहाँ पर देखते हैं पर क्या चल रहा है। एक टेक्सटिगो है और दो तीन आलूसोर्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे डायनोज हैं, जैसे वो डिप्लोडोका से पेची डायनोज। चलो इसको देख लेते हैं, इसके ज़्यादा करीब वैसे जाना नहीं। यहाँ पर मेटल मिल रहा है, तो यहाँ से मैं मेटल ले लूँगा। वहाँ पर एक ब्रोंटो है, तो मैं वहाँ पर ऊपर जाके देख लेता हूँ उसको। यहाँ पर इसको हम लोग अपना बेस तो बना सकते हैं, और मुझे इसको देखना भी है। वैसे एक और ऐसा ही एक टावर है उस तरफ, जहाँ पर गीगा स्पॉन होते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे इक्वर हैं। वहाँ पर होता है एक गिली मामूस, ब्रोंटोज हैं, और काफ़ी सारे डायनोज हैं। चलो चलो चलते हैं, देखते हैं। एक सेकेंड, वहाँ पर देखो कितने सारे विंग्स हैं उसके पास। मैं देख, मुझे नहीं लगता आप लोग देख पा रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ वहाँ पर काफ़ी सारे विंग्स हैं। अभी यहाँ से भाग लो भाई, मुझे अपनी जान प्यारी और पेटाड्रोन की भी, क्योंकि आज ही से टेम करा है, तो आज ही से मरवाना नहीं चाहूँगा मैं। सभी चल लेते हैं बेस की तरफ, और इसके लिए अच्छे नाम सजेस्ट करना। यहाँ पर मेटल है, तो चलो और देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। मुझे क्रिस्टल ढूंढना चाहिए, यहाँ पर क्रिस्टल होगा शायद से, क्रिस्टल होना तो होगा यहाँ पर आई थिंक। चलो देख लेता हूँ क्रिस्टल होगा यहाँ पर। ओके क्रिस्टल, क्रिस्टल होना तो चाहिए इस तरफ, यहाँ पर तो नहीं है। चलो देख लेते हैं,
यहाँ पर क्रिस्टल तो नहीं है। ओके, तो सबसे पहले जब हम लोग स्पॉन हुए थे तो इस तरफ स्पॉन हुए थे और इस तरफ आलिसोर्स भी काफ़ी सारे थे। साहब हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं है। सो जानता हूँ, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। और मुझे पता है कि आज का एपिसोड बहुत छोटा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आज के एपिसोड में ज़्यादा कुछ करने को था ही नहीं। तो अगले एपिसोड में मैं सोचूंगा कि जियो टेम्पर या फिर सेबर टूथ। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।